दल के उनके अध्यक्ष केशव जी को बधाई देता हूँ। महान दल के सभी कार्यकर्ता नेताओं का स्वागत सैफई में हुआ और उनके कार्यकर्ता नेता बड़ी संख्या में यहाँ आकर के उन्होंने सफल कार्यक्रम किया और उन्होंने संकल्प लिया है कि जिन लोगों ने उनके समाज को धोखा दिया है उनको इस चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। महान दल का जो संकल्प है कि जिन्होंने उनके समाज को धोखा दिया है और राजनीति में छल किया है उनके साथ, उनको इस चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। ये महान दल का संकल्प है। हमें खुशी है कि महान दल के कार्यकर्ता नेता सड़कों पे आ गए हैं, लगातार यात्रा की उन्होंने और इसी तरीके से लगातार जनता में वो रहेंगे और जोड़ते रहेंगे अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ। सरकार पिछड़ा वर्ग में 8 नई जातियों को शामिल करने जा रही है, ये स्टैंड आज ही क्यों लिया? समाजवादी पार्टी की मांग है, समाजवादी पार्टी का मानना है कि सभी जातियों को गिन लिया जाए और जातियों के आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिल जाए। किसानों पर जो मुकदमे दायर किए गए थे पुआल जलाने पर, धान की पुआल, अब सरकार करेगी इनको वापस लिया जाएगा, आज कल इस तरह की घोषणा हुई है। जितना किसान अपमानित हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इतना किसान अन्नदाता कभी भी अपमानित नहीं हुआ होगा। अन्नदाता जो न केवल पेट भरता है बल्कि अपनी मेहनत से कपड़े भी पहनने का मौका देता है। किसान जो है वो खेती करता है और हमारे रोटी और कपड़े का इंतजाम करता है, उसको सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित किया, उन्हें आतंकवादी कहा, मवाली कहा या न जाने क्या क्या शब्दों से उन्हें अपमानित किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और झूठे मुकदमे भी लगे। जब सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर पर्यावरण बचाना है तो उनकी जिम्मेदारी सरकार की बड़ी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे और किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे। पिछली सरकार में बताया गया, सरकार कह रही कि पिछली सरकार में लाठियां बजाई गई थी और गैस नहीं मिली थी, जबकि इस बार उज्ज्वला में उन्होंने फ्री निःशुल्क गैस बांटी। उज्ज्वला से उन्हें अपमानित किया था भारतीय जनता पार्टी ने और झूठे मुकदमे भी लगे। जब सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर पर्यावरण बचाना है तो उनकी जिम्मेदारी सरकार की बड़ी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे और किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे। पिछली सरकार में बताया गया, सरकार कह रही कि पिछली सरकार में लाठियां बजाई गई थी और गैस नहीं मिली थी, जबकि इस बार उज्ज्वला में उन्होंने फ्री निःशुल्क गैस बांटी। उज्ज्वला का नाम बुज्ज्वला कर दीजिए, क्योंकि जितने भी उज्ज्वला वाले थे अब उनके जो स्टोव थे बुझ गए हैं। ये उज्ज्वला नहीं है, बुज्ज्वला है, और गरीबों को धोखा दिया था इन्होंने। पहले सस्ता सिलेंडर दिया, फ्री दिया, और अब बताइए सिलेंडर की कीमत क्या है। भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव माताओं बहनों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने सिलेंडर डीजल पेट्रोल महंगा किया है। राष्ट्रीय जी, यूपी में इस समय नाम बदलने की कवायद बहुत चल रही है, क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए नाम बदलने की प्रक्रिया? मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई लखनऊ मत जाना, और लखनऊ अगर आप गए और मुख्यमंत्री जी को पता लग गया तो ज़रूरी नहीं उसी नाम से आप वापस आओ लखनऊ से, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का रंग रंगाना और नाम बदलना ये नया फैशन है। क्योंकि काम किया नहीं है, चुनाव में जाना है तो किसी भी मोहल्ले का नाम बदला जा सकता है, किसी भी गांव का नाम बदला जा सकता है, और आप लोग अगर गलती से लखनऊ चले गए और पता लग गया कि आप लोग इटावा से आए हो तो आपका नाम नया जरूर पड़ जाएगा और बदल दिया जाएगा नाम। 22 के इलेक्शन में और कितने ऐसे दल हैं महान दल जैसे जो आपके साथ? जो दल आना चाहेंगे और जो दल समाजवादी विचारधारा से मिलते जुलते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, उन सभी दलों को साथ लाने की कोशिश लगातार पार्टी की रहेगी। युवाओं के लिए क्या संदेश आपका होगा? मैं नौजवानों से कहूँगा उनके अपने भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, काम के लिए, और समाज बदले, देश बदले, प्रदेश बदले, उसके लिए समाजवादी पार्टी के साथ जुटें। यही विचारधारा है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा, इन दोनों विचारधाराओं से ही समाज का, देश का भला होगा, उसके साथ जुड़ें। धन्यवाद।